हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लासेस और इस क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस तो एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लेट अस टेक कॉपर हमें पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 29 जिंक होता तो फिर होता थर्टी है ना अब ट्वेंटी को अगर हमने जैसे पिछले क्लासेस में देखे थे किस तरीके से हम अरेंज करते हैं इस तरीके से वन एस टू टू तो हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं क्या हो जाएगा वन एस टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन वेट अगर हम थ्री डी टेन लिखेंगे तो कितना हो गया टेन प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू सिक्स प्लस फोर टेन प्लस टेन थर्टी हो गया थर्टीज़ जिंक बन जाएगा हमें चाहिए कॉपर के लिए मतलब कितना होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन ऐसा नो नाउ सी दिस इज रॉन्ग द क्वेश्चन इज अगर इसी तरीके से अरेंज करने में ये जिंक के लिए सही है तो फिर ये कॉपर के लिए गलत क्यों ये सीक्वेंस में दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि देर इज अ डी ऑरबाइटल रूल डी ऑरबाइटल रूल क्या कहता है दिस रूल सेज दैट हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑरबाइटल इज मोर स्टेबल देन वन लेस जो हमारा हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑरबाइटल रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन उसका वन लेस अगर हम इसी को भरते हैं मान लीजिए देख लीजिए ये हमारा अगर एस है तो फिर हम एस और बाइटल में इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर डी में क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव डी टेन पहले हम हाफ फिल कर लेते हैं डी को है ना हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल तो वन टू थ्री फोर फाइव फिर हम इसे कंप्लीट फिल करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव पर ये तो डी टेन हो गया हमें डी टेन नहीं चाहिए हमें डी नाइन चाहिए अगर हमें डी नाइन चाहिए मतलब इसमें एक कम है इसमें एक कम है और हमारा रूल क्या कहता है कि हाफ फील्ड इससे अच्छा तो पूरा हाफ फील्ड होता हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इस मोर स्टेबल अगर ये कंप्लीटली फील्ड होगा मतलब अगर इसमें एक और आपका इलेक्ट्रॉन होगा कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज इस मोर स्टेबल और आपको अगर इसमें एक और चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक इट कंप्लीटली फिल्ड अगर आपको इसे डी टेन बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं यू हैव ओनली वन ऑप्शन यू हैव टू टेक वन फ्रॉम हियर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर एस वन हो जाएगा और थ्री डी टेन हो जाएगा तो यहाँ से एक उठा के चलिए लगा देते हैं डी पे तो फोर एस वन हो गया और थ्री डी टेन हो गया इसको मैं अगर समराइज़ करके लिखती हूँ सो दिस इज़ नथिंग बट योर आर्गन राइट उसके बाद कितना रहा इसको पूरा भी लिख सकते हैं योर विश उसके बाद फोर एस वन अब एक बात बताइए थ्री एस टू थ्री पी सिक्स उसके बाद पहले फोर एस वन लिखेंगे कि पहले थ्री डी टेन लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे थ्री डी टेन लिखेंगे और फिर हम फोर एस वन लिखेंगे तो इसका करेक्ट और बाइटल सिक्वेंस अगर हम बनाएंगे तो फिर डी और बाइटल फुल्ली फिल कर देंगे और फोर एस हमारे पास वन रह जाएगा सो वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉपर द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कॉपर इज योर अगर ऐसे लिखने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आर्गन में तो पूरा लिख लीजिए इट इज़ योर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन पहले फिर फोर एस वन सो दिस इज योर द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन फॉर कॉपर एंड सिमिलरली यू कैन मेक द अदर एक्सेप्शन्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रूल कि डी ऑरबाइटल के साथ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डी ऑरबाइटलेस मोर स्टेबल देन वन लेस ओके थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल टेक केयर स्टेबलेस्ट बाय